दोस्तों, कंटिन्यूइंग फ्रॉम द प्रीवियस ब्लॉग, अब हम वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट में जा रहे हैं। और जैसे हमें बताया गया था, माउंटेन के ऊपर जो फूल देखने को मिल रहे हैं, द व्यूज़ आर एब्सोल्युटली स्टनिंग। तो दोस्तों, अभी हम वापस जा रहे हैं जो हमारा ओरिजिनल स्टार्टिंग पॉइंट था, जो ट्रूप करके जो जगह है, मतलब उसका पूरा नाम कुछ और है, बड़ा फ्रेंच जर्मन नाम है, बट शॉर्ट ट्रूबी है, जो मैं जिसका नाम अभी लिख दूंगा कैप्शन में। तो हमारा जो पूरा हमने जो थोड़ा सा चार्ट आउट किया था, वो एक करीब 18 किलोमीटर का सर्किट था। तो अभी हमने जो है करीब 12 किलोमीटर कर लिए हैं और अब हम जो है वापस नीचे जा रहे हैं। तो अब जो है हमारा जो है ऑब्वियसली नीचे जाना थोड़ा आसान है। और एक चीज़ दोस्तों मैं बताना चाह रहा था, यहाँ पर जो है वांडरबर्ग करके कई सारे यहाँ पर ये निशान आ रहे थे, मतलब कि डायरेक्शन आ रहे थे। तो हमने इनिशियली सोचा कि ये एक जगह का नाम है, पर एक्चुअली वांडरबर्ग इन जर्मन का मतलब है कि वॉकिंग, हाइकिंग, गाइड करने के लिए था। तो ये हम थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गए थे। दोस्तों, जैसे जैसे हम नीचे को जाएंगे, द डेंसिटी ऑफ फ्लावर्स केप्ट रिड्यूसिंग। तो ऑब्वियसली ऊपर और नीचे का जो टेम्परेचर डिफरेंशियल है, उससे फ़र्क पड़ता है। मेनली तीन कलर्स के फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, येलो, पर्पल एंड वाइट। आई जस्ट कीप टेकिंग बट आई फील कहीं कुछ मिस ना हो जाए। दोस्तों, यहाँ पर कई सारे काउस के इनक्लोजर्स हैं, पर हम जो है कोशिश यही करते हैं कि हम उसके अंदर से नहीं जाएं। हमने कुछ लोकल्स को देखा है जो काउ इनक्लोजर्स के अंदर से भी निकल जाते हैं, पर हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हम जो है अवॉइड करते हैं। क्योंकि जो इंटरनेट में पढ़ने को मिलता है कि काउस यहाँ पर अटैक कर देती हैं और कभी कभी, और प्लस इनकी जो काउस की जो साइज़ है वो काफ़ी ह्यूज हैं, तो हमें लगता है कि अगर मान लो आप अटैक कर दिया तो फिर आप समझ लीजिए कि गए। दोस्तों, ये वाला पार्ट मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगा, ड्यू टू द इंटरप्ले ऑफ सनलाइट, फ्लावर्स, क्लाउड्स एंड द फैंटास्टिक व्यू। दोस्तों, आफ्टर अ वाइल वॉकिंग डाउनहिल एक्चुअली बिकम्स मोर डिफिकल्ट देन वॉकिंग अपहिल, क्योंकि घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। अपहिल दो मिनट रुक जाओ, पैर के दर्द खत्म हो जाते हैं, पर डाउनहिल एक बार घुटने में दर्द शुरू हो गया तो इतनी आसानी से नहीं जाता। दोस्तों, मुझे याद है कुछ साल पहले हम वैष्णो देवी गए थे, चढ़ तो गए हम आराम से, थोड़ी सांस फूली, थोड़े पैर में दर्द हुए, पर रुक रुक के चढ़ गए, पर वापसी में इतने घुटनों में दर्द शुरू हो गया कि हमें फिर पोनीज लेने पड़े। दोस्तों, अब हम वापस शहर के अंदर जा रहे हैं, हमारी गाड़ी जो है रेलवे स्टेशन में पार्क्ड है। दोस्तों, एक चीज़ मैं बताऊं, यूरोप में किसी भी शहर, गांव या टाउन में जाओ तो पहले से डिसाइड कर लेना चाहिए कि कहां पार्किंग करोगे, क्योंकि यहां इंडिया वाला सिचुएशन नहीं है कि कहीं भी आप गाड़ी लगा दो। यहाँ हमने रेलवे स्टेशन में गाड़ी पार्क की है क्योंकि इंटरनेट में दिखा रहा था कि स्पॉट्स काफ़ी हैं, रेट ज़्यादा हाई नहीं है और लॉन्गर ड्यूरेशन पार्किंग अलाउड है, पर ज़रूरी नहीं है कि हर रेलवे स्टेशन में ऐसा ही रूल हो।